हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आज आप लोग? आज का जो वीडियो है मैंने जो बनाया है, वो मैंने जब बैठी थी वीडियो बनाने के लिए तो सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, मगर ये ट्रस्ट मी, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे तो आपको पहला तो पूरा डिज़ाइन दिखेगा और दूसरा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स भी मिलेंगी। तो जो मैंने आज डिज़ाइन बनाया है वो ये सोच के बनाया है क्योंकि अभी ईद भी चल रहा है और उससे पहले अभी तीज और बहुत सारी शादी का सीज़न भी चल रहा है। तो मैंने यही सोच के बनाया है ये वीडियो कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनका हाथ है ना पूरा भरा हुआ दिखे। तो अब हाथ भरने के लिए सबसे इजी और सबसे बेहतरीन एलिमेंट है पीकॉक। आप एक पीकॉक बनाओगे तो आपका पूरा हाथ ऐसे ही भर जाएगा। और भी बहुत फिलर एलिमेंट्स हैं जिसे आप भर सकते हो, मगर ये सबसे इजी और सबसे आसान हो जाता है क्योंकि आपको जब पीकॉक का लेआउट मिल जाता है तो उसको भरने में बहुत आसानी होती है। तो आप देख रहे हो कि आज मैंने शेडिंग का यूज़ किया है, मॉडर्न शेडिंग जो होती है मेहंदी में, अभी नया शुरू हुआ है। मैंने प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा कि आज इसमें सही तरीके से इसको अप्लाई किया जाए, तो मैंने शेडिंग डाला है। और आप पीकॉक का लेआउट तो देख ही सकते हो। उसके साथ मैंने फेंट स्वॉल्स यूज़ किए हैं। मैं हर एलिमेंट का नाम आपको बता रही हूँ जिसको मैंने यूज़ किया है आज के डिज़ाइन में। और तो और मैंने पीकॉक के साथ मैंने पूरा पीकॉक ड्रॉ किया है, जो मोर नाचते हुए मोर जो होते वैसा। और मैंने उसके साथ मैंने बहुत ही क्लासी लुक के साथ और फिलर एलिमेंट्स के साथ मैंने पीकॉक को एकदम डेकोरेट किया है। और बहुत से रिवर्स एलिमेंट यूज़ किया है मैंने पूरे डिज़ाइन में। और इस पीकॉक के ऊपर, फेदर के ऊपर मैंने रिवर्स एलिमेंट लिया है, लोटस वाला रिवर्स एलिमेंट जो अभी नया आया है, मैंने उसका यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है चेक्स। चेक्स का मैंने इतना इजी था कि मैंने वो रखा नहीं वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि वो बहुत ही आसान था तो मुझे लगा कि उसकी उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रखा है मैंने। और वो जो रिवर्स एलिमेंट है उसके ऊपर मैंने एक और पीकॉक ड्रॉ किए। और मैंने आगे भी अपने वीडियोस में उसको ऐसे ही रखा था, पिछले कई मैंने वीडियो बनाए थे उसमें मैंने उसका यूज़ किया है और मैंने वैसे ही उसको रखा है क्योंकि वो शायद मेरा कंफर्ट जोन है। आई फील सो मेरे कंफर्ट जोन में वो आ जाता है तो मैं वो कर देती हूँ। और मैंने आज ये इसलिए बनाया कि बहुत लोग चाहते हैं कि अब उनका हाथ जो है वो भरा हुआ दिखे। अब भरा हुआ हाथ के लिए मैंने आज जो डिज़ाइन बनाया है वो बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी हाथ भर भी देता है। और मैंने मॉडर्न स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ आज, और वो करके और कॉमन एलिमेंट्स यूज़ करके मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। मैंने चेक्स का भी यूज़ किया है और अंत तक देखोगे तो और एक खूबसूरत चेक है जिसका मैंने आज यूज़ किया है, तो वो सबसे आखिर में है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो वो भी आपको दिखेगा। तो मैंने ये पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बनाया है। और रिवर्स एलिमेंट का मैंने आज कुछ ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि वो तो पहला तो हाथ को जल्दी भर देते हैं और दूसरा हम लोगों को वो बहुत डार्क और क्लासी कलर देता है जब हमारे हाथ से वो रिमूव होके चला जाता है वो मेहंदी, तो वो रहता भी है बहुत देर तक। तो इसलिए रिवर्स एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली हाथों में, तो मैंने वो बनाया है। और बाकी मैंने वही क्लासिक लुक देख के सब डेकोर किया है। और होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। और अगर
अभी आप जो भी देख रहे हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि है ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोस का। और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ एक दो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज मैंने ऐसे ही बनाया है वीडियो, और होप आप लोग ये वीडियो इंजॉय कर रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। और अगर आपको हर एलिमेंट का जो मैंने बनाया है उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भी मुझे बताइएगा, मैं वो भी दूंगी। और दूसरी बात कि मैंने जो आज रिवर्स एलिमेंट लिया है वो मैंने बहुत ही कॉमन रिवर्स एलिमेंट लिया है, लोटस और लीव्स, ये तो हम हमेशा लेते हैं। और भी बहुत सारी तरीके से हम रिवर्स एलिमेंट कर सकते हैं, अगर आप कहोगे तो ही मैं वो सब दिखाऊंगी। वो थोड़ा एडवांस लेवल में है तो मैं ज़्यादा उसके साथ वो नहीं करना चाहती, दिखाना नहीं चाह रही हूँ। और वैसे भी मैं खुद भी एक बिगिनर हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ वही सब आपको दिखा रही हूँ, और जितना नॉलेज मुझे आया है उतना ही मैं दिखा रही हूँ। तो मैं जिनको फॉलो करती हूँ, जो मेरी टीचर हैं, वो मुझे बस एक ही चीज़ सिखाती है कि हर एलिमेंट जो तुम अप्लाई करने जा रहे हो उससे पहले तुम उसका पूरी तरीके से उसको अपने हाथ में ले लो, मतलब उसको इतना प्रैक्टिस करो कि वो तुम्हें बहुत आसान लगे। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ हमेशा, और पेंसिल या पेन के साथ नहीं, मैं मेहंदी कोन के साथ ही ये सब प्रैक्टिस करती हूँ। और हर टाइप का रिवर्स एलिमेंट कहिए और जो भी जैसे भी हम लोग मेहंदी में यूज़ करते हैं मॉडर्न स्टाइल मेहंदी में आज के ज़माने में, वो सब मैं चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं किसी दिन प्रैक्टिस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ और क्या क्या प्रैक्टिस करती हूँ। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा जैसे मैंने बनाया है ये वीडियो, और थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज का वीडियो इतना तक ही था, सी यू नेक्स्ट डे, ओके बाय, टाटा, थैंक यू।